अगर बात करें पांच राज्यों के बड़े एजेंसी न्यूज चैनल के एग्जिट पोल की, तो इस बार इस तरीके के ओपिनियन पोल आए हैं जिससे बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ वहां की आम जनता भी ये जानने के लिए उत्सुक है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। सभी को यहां पर कंफ्यूजन और डाउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम आगे बात करने वाले हैं इन पांच राज्यों के एग्जिट पोल के औसत की, यानी किस पार्टी की सरकार औसत यानी एवरेज में बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहां पर बात करें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, तो यहां पर 230 विधानसभा सीटें हैं। तो यहां पर अगर इन तमाम चरणों के एवरेज अगर निकालें तो यहां पर बीजेपी के खाते में जो है वो 105 से 121 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहां पर 109 से 125 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी मुकाबला क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां पर ये कह पाना काफी मुश्किल काम है कि इन एग्जिट पोल के हिसाब से कि किस पार्टी की यहां पे सरकार बनेगी। फिलहाल 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो फाइनल पिक्चर जब ही साफ हो पाएगी। वहीं आगे बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर हम लोग एवरेज निकालें इन तमाम एजेंसीज और न्यूज का, तो यहां पे अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को यहां पर 75 से 86 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में 199 सीटों के ये आंकड़े हैं। तो यहां पर अगर बात करें, वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को यहां पर 113 से 124 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर यहां पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है इन तमाम बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल के एवरेज में। तो वहीं आगे बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अगर बात करें कुल विधानसभा सीटों की, तो यहां पर 119 विधानसभा सीट है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 60 है। यहां पर अगर बात करें सभी चैनल्स के एवरेज की, मतलब औसत की, पर बीआरएस पार्टी के खाते में 36 से 42 सीटें मिलती हुई इनको नजर आ रही हैं। यानी बीआरएस जो टीआरएस पहले इस पार्टी का नाम था चंद्रशेखर राव की केसीआर की, तो इसको यहां पर एवरेज में अगर देखें इन तमाम चैनल के, तो 36 से 42 सीटें इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं बीआरएस के लिए। वहीं आगे बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहां पर 73 से 76 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब इन तमाम चैनल की एवरेज में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है वो 73 से 76 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो तेलंगाना में जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें यहां पर भाजपा की, तो भाजपा को यहां पर 4 से 7 सीटें औसतन यहां पर मिल सकती हैं। अब वहीं आगे बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर अगर बात करें इन तमाम चैनल्स के और न्यूज एजेंसी के एग्जिट पोल के औसत की, तो यहां पर बीजेपी के खाते में 30 से 36 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं हम बात करें कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 54 से 60 सीटें जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही है, यानी इनका औसत निकाले। वैसे भी एवरेज को के अलावा भी हम लोग देखें तो ज्यादातर जो बड़े चैनल्स ने उन्होंने कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती हुई दिखाई है अपने एग्जिट पोल में। फिलहाल अगर हम लोग इनका औसत निकालें तो इस हिसाब से भी यहां पर कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में कुल विधानसभा की 40 सीटें हैं। यहां पर बहुमत का आंकड़ा 21 है। तो यहां पे मिजोरम की अगर एवरेज की बात करें सभी एग्जिट पोल की, तो यहां पर अगर बात करें हम लोग एमएनएफ की, तो यहां पर इनके खाते में जो है वो 11 से 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें जेडपीएम की, तो इनके खाते में 9 से 11 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां पर 12 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां भी कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है। यहां पर कई एग्जिट पोल मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को जो है बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यहां पर जो है काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, काफी जो है पेचीदा मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये केवल ओपिनियन पोल है, फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को यानी कल आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो एग्जिट पोल है वो आगे मतलब जो है आपको सोमवार को देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।